हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन लोग गाउस का नियम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर कुछ की पॉइंट्स जो इम्पोर्ट महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में अपन लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जो आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर और कोई छोटे क्वेश्चंस उसके द्वारा बन सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने आप लोगों को 8 जो पॉइंट है वो अपन लोगों ने देख लिए थे। नेक्स्ट अपना जो 9th आज का जो पॉइंट है वो ये इस पर आधारित, कल मैंने इसीलिए छोड़ा था इसको क्योंकि इस पर आधारित मैं आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल भी करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखना पूरी क्लास को बच्चों, ध्यान से देखो। नंबर 9 पॉइंट है, जो की पॉइंट्स पढ़ रहे थे उसके अंदर नंबर 9 का जो पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई सममित वस्तु है, सममित वस्तु का मतलब कौन सी वस्तु होती है, सिमेट्रिक, जैसे मान लो कि घन है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी अपन लेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे मान लो कि मान लो ये कोई वस्तु है ऐसी इस प्रकार से। ठीक है, इसके केंद्र पर अगर कोई क्यू आवेश स्थित है, ये सममित वस्तु, देखो इसको यहाँ से काटोगे तो आधा इधर बचेगा आधा इधर, समान समान बचेगा, इसको यहाँ से काटोगे तो आधा इधर, यानी काटने पर वो दोनों दो हिस्सों में अगर बटे बीच से काटने पर और दोनों समान हिस्से हों तो वो सममित वस्तु होती है। ऐसे कोई सिमेट्रिक वस्तु है और उसके केंद्र पर कोई क्यू आवेश स्थित हो या उसके केंद्र पर कोई क्यू आवेश स्थित होता है तो इसके संपूर्ण वस्तु के कारण तो जो फ्लक्स आता है वो अपन ने कल पढ़ा है, फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। ठीक है, तो इसके आधे भाग के कारण, मान लो इसको मैं बीच से काट दूं या फिर आधे भाग के कारण इसमें जो फ्लक्स है वो कितना होगा, तो देखो आधे भाग के कारण अगर अपन को फ्लक्स निकालना है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, पहले जो फ्लक्स था टोटल फ्लक्स का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी क्या आएगा आंसर, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसलिए ये बोल सकते हैं अपन लोग कि कोई सममित वस्तु है उसके अगर केंद्र पर कोई क्यू आवेश स्थित है तो उसके आधे पृष्ठ के कारण जो फ्लक्स होता है बच्चों वो उसके संपूर्ण फ्लक्स का आधा होगा। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं यदि किसी सममित वस्तु के केंद्र पर क्यू आवेश रखा है तो उसके आधे पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स भी आधा हो जाता है। ये आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, एक कोई सममित वस्तु है जिसके केंद्र पर क्यू आवेश स्थित है तो इसका फ्लक्स कुल जो फ्लक्स है बच्चों वो तो क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, क्योंकि मैंने बताया कि जो फ्लक्स का मान है वो वस्तु की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, आवेश के वितरण पर भी निर्भर नहीं करता है। तो कैसी भी आकृति हो, कोई भी किसी भी आकृति के अंदर अगर क्यू आवेश स्थित है तो उस पर जो फ्लक्स का मान है बच्चों वो कितना आता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। ठीक है, तो अगर पृष्ठ को आधा कर देंगे यानी आधे पृष्ठ के कारण जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, कोई सममित वस्तु होनी चाहिए, सिमेट्रिक है तो ही होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए ये रूल लागू होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है तो उसका कुल जो फ्लक्स होगा वो उसका आधा फ्लक्स उसके आधे पृष्ठ के कारण होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग नोट करो फटाफट, फिर आपको एक लास्ट और की पॉइंट्स बता देता हूँ क्या आएगा, देखो जल्दी करो। अगला जो पॉइंट है बच्चों वो ये है, यदि सममित कोई वस्तु है और उसके अंदर एन कोई समान फलक है, किसी सममित वस्तु में एन कोई समान फलक है, तो देखो 10 नंबर है,
एन समान फलक हैं, एन समान फलक हैं तथा क्यू आवेश वस्तु के केंद्र पर स्थित है तो उसके प्रत्येक फलक से संबद्ध विद्युत फलक्स कितना होगा, देखो फाइव वन लिख लेता हूँ। फाइव वन क्या होगा, टोटल फलक्स का एनवा भाग होगा, यानी जितने फलक होंगे बच्चों उस फलक के नंबर से अपन डिवाइड कर देंगे। मान लो जो उसके कुल के कारण जो फलक्स है, उसके वस्तु का कुल जो फलक्स है वो फाइव है, तो एक फलक का फलक्स कितना होगा, फाइव बटे एन। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, जहाँ फाइव बराबर वस्तु से संबद्ध कुल फलक्स, जो कितना होता है बच्चों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि मान लो अपन ने क्यू आवेश माना है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर फाइव वन निकालूंगा तो वो क्या आएगा, बोलो बच्चों, फाइव अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस पर बेस्ड अपन आज के तो दोनों पॉइंट पढ़े हैं, इस पर बेस्ड अपन न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, समझना फटाफट इसको नोट करो, फिर करते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, मिटा रहा हूँ मैं इसको बच्चों, दोनों पॉइंटों को ध्यान में रखना है, पहले वाले जो पॉइंट लिखा है वो भी ध्यान में रखने हैं, उन पर बेस्ड ही अपने क्वेश्चन बनेंगे। अपन एक एग्जांपल करते हैं, एग्जाम्पल दो जाम्पल। देखो एग्जाम्पल नंबर वन है, यदि आवेश क्यू घन के केंद्र पर स्थित हो तो, यदि कोई क्यू आवेश है वो कोई घन दिया हुआ है उसके केंद्र पर स्थित हो, घन बनाता हूं मैं, देखना ध्यान से देखिए बच्चों, यही वो सवाल है जो आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आएगा, और अगर आप लोगों ने नहीं सीखा तो आपको जन्मों जन्मों तक परेशान करेगा, भूत बन के डराएगा, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। मान लो एक क्यू आवेश इसके केंद्र पर रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। घन को समझने के लिए मान लो आपका रूम है वो घन है, आप जिस रूम में बैठ के अभी वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, उस रूम को इमेजिन करो, उस रूम को देखो, वो घन है, मान लो घन है, वो घनाभ भी हो सकता है लेकिन वो घन मान लें अपन ने, मान लिया कि उसके जो फलक है सारे के सारे, फलक मतलब फेसेज, जैसे ये एक फलक हो गया, मैं जिस दीवार पे लिख रहा हूँ ये वाली दीवार, इधर वाली दीवार हो गई, पीछे वाली दीवार भी एक फलक है, इधर वाली दीवार भी एक फलक है, नीचे जो फर्श है वो भी एक फलक है, ऊपर जो छत है वो भी एक फलक है, देख लिया आपने रूम अच्छे से। मान लो उसके जो रूम का जो केंद्र पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वहां पर एक क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ, सबसे पहली बात कि जो पूरे घन के कारण जो कुल फलक्स होगा वो कितना आएगा, इसके अंदर क्यू आवेश रखा हुआ है रूम के अंदर, तो कुल फलक्स कितना होगा, क्यू आवेश रखा हुआ है, बताओ मेरे को कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा बच्चों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ऐसे आवेश रख दे किसी घन में, और आप लोगों घन में कहीं भी रख सकता है, कोई जरूरी नहीं हो केंद्र पर हो, अगर कुल फलक्स होगा वो डिपेंड नहीं करेगा कि आवेश कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो केंद्र पर रखा हुआ है तो कुल फलक्स तो कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, क्योंकि कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, कुल आवेश क्यू रखा हुआ है तो क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर आपको बोला गया
कि आपको बताना है फलक के कारण। एक फलक होगा उसके कारण कितना आएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, एक फलक से संबद्ध फलक्स, एक फलक से संबद्ध जो फलक्स है वो कितना आएगा। देखो मैंने आपको अभी अभी लास्ट का जो रूल बताया था वो क्या बताया था कि अगर कोई सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है और उसके केंद्र पर कोई आवेश रखा हुआ है, ठीक है, तो रूल क्या देखा था कि कितने फलक होंगे। एक फलक का अगर अपन को फलक्स निकालना हो, एक फलक के कारण कितना विद्युत फलक्स आएगा वो निकालना हो, तो अपन क्या करते हैं, कुल जो फलक्स है उसमें जितने फलक है टोटल उस आकृति में उनसे डिवाइड कर देते हैं। ये तो रूल बताया हमने लास्ट 10 नंबर जो था। तो देखो ये जो कुल फलक्स में अपन को क्या करना है, एफ जो कुल है उसके अंदर क्या करना है बच्चों, जितने फलक हैं, क्योंकि फलक के संबंध ही पूछा है, तो जितने फलक हैं उन फलक से डिवाइड कर देना है। तो कितने फलक होंगे गिन के देखो, आप रूम में बैठे हो, एक इधर वाली दीवार, एक ये वाली दीवार, एक आगे वाली दीवार 3, एक इधर वाली दीवार 4, चार तो चारों तरफ की दीवारें होंगी, एक जो फर्श है वो 5 और एक ऊपर छत है वो 6, तो एक घन होता है उसके अंदर इस प्रकार से 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो एक फलक के कारण जो विद्युत फलक्स है वो कितना आएगा बोलो बच्चों, कुल में कितने का भाग देना पड़ेगा, नंबर ऑफ फलक से, तो कितने फलक हैं 6, तो 6 से डिवाइड कर दिया। 6 से क्यों डिवाइड किया ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। एफ कुल कितना आया है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 6 से डिवाइड भी किया तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, यह आ गया बच्चों एक फलक के कारण। एक फलक के कारण इतना यहां पर विद्युत फलक्स होगा एक घन में, यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। बोलो ध्यान में रखना होगे, पता लग गया ना 6 कहां से आया, क्योंकि घन के अंदर 6 फलक होते हैं। बोलो बात समझ में आ गई इतनी। अब आपको पूछे कि कोनों के कारण, एक कोना दे रखा है, एक शीर्ष दे रखा है, उसके कारण कितना फलक्स आएगा। क्या पूछा, एक शीर्ष के कारण कितना फलक्स आएगा, तो मैं लिख सकता हूं एक शीर्ष से संबद्ध फलक्स, शीर्ष से, शीर्ष का मतलब कोना है ना, ब्रैकेट में लिख देता हूं कोना, एक शीर्ष से संबद्ध फलक्स फाई शीर्ष। अब देखो कुल तो लेना ही लेना है अपन को, अब जितने उसके अंदर शीर्ष है, जितने शीर्ष है उन शीर्ष से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, जितने शीर्ष होते हैं घन में उन शीर्ष से अपन डिवाइड कर देते हैं। तो आप लोग बताओ कितने शीर्ष हैं, कितने कोने हैं, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में कोने गिन के बताओ मेरे को, एक तो उधर वाला कोना सामने वाला, एक इधर वाला ये कोना 2, एक नीचे वो कोना 3, एक वो कोना 4, एक ये कोना 5, एक ये कोना 6, एक ये कोना 7 और एक ये कोना 8, कितने कोने हो गए, 8 कोने हो गए। तो एक कोने के कारण फलक्स कितना आएगा, टोटल फलक्स का 8वां भाग, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बोलो कितना आंसर आएगा, ये क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया बच्चों अपने पास एक शीर्ष के कारण जो फलक्स होगा। बोलो कर पाओगे, बोलो कर पाओगे, लास्ट का जो रूल था वो काम में ले रहे हैं, जितने फलक हैं, जितने कोने हैं, जितने कोर हैं, एक कोर का और निकाल लेते हैं, एक कोर से संबद्ध फलक्स, एक कोर से संबद्ध फलक्स फाई कोर, तो फाई कुल तो लिखना ही है बच्चों, डिवाइड कितने से करना है बोलो बच्चों, डिवाइड कितने से करना है, कितनी कोर है, कोर का मतलब ये जो लाइन है, ये पट्टी की जो लाइन जा रही है इधर ऐसे, ये एक लाइन, ऐसे ये 2 लाइन, ऐसे ये 3 लाइन और ऐसे ये 4 लाइन, ठीक है, फिर उधर जो है वो ऊपर 5 लाइन, उधर वो 6 लाइन, इधर ये 7 लाइन, 7 हो गई, फिर उधर वो 8, इधर ये 9, इधर ये 10, ये 11 और ये नीचे वाली 12। आप लोग इस प्रकार से ये लाइनें गिन के देख लो अपने रूम में,
जो कोने की, जो कोने टू कोने, कोने को कोने से, एक कोने को दूसरे कोने से जो लाइन मिला रही है उनको गिन के देख लो, वो आएगी आपके पास। जब गिनोगे तो 12 आएगी। कितनी आएगी? 12। तो आप डिवाइड कितने से कर दोगे? 12 से। तो फाई एक घन की कोर के कारण जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा बच्चों? क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से आप लोगों को ये चीज़ें हैं ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर जो 1 था बच्चों, इसको आप लोग फटाफट नोट करो, फटाफट नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। फिर एक और एग्जाम्पल समझा देता हूँ आप लोगों को। बोलो कर लिया? अब है अगला जो एग्जाम्पल है वो समझते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है बच्चों वो है यदि क्यू आवेश, यदि आवेश क्यू घन की सतह के केंद्र पर स्थित हो, यदि आवेश क्यू घन की सतह है के केंद्र पर स्थित हो। देखना इसमें रूल नंबर 9 भी लगेगा और रूल नंबर 9 भी लगेगा और एक रूल कौन सा लगेगा? 10, दोनों लगेंगे। देखना ध्यान से, मैं एक घन बना रहा हूं। सबसे पहले ये मैंने एक घन बनाया है इस प्रकार से, ये है बच्चों एक घन। इस घन के कारण अपन को फ्लक्स निकालना है। यहां पर इसकी एक सतह मान लो, ये मान ली, इस सतह पर क्यू आवेश रखा हुआ है। इस सतह पर क्या है? एक क्यू आवेश रखा हुआ है। मान लो आपके रूम की जो दीवार है उसके एक दीवार के, एक फलक हो गया ना, एक सतह हो गई, उस एक दीवार की केंद्र पर एक क्या कर दो आप, उसके एक दीवार के केंद्र पर आवेश रख दो, ठीक है। मान लो मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस यहाँ पर जो आवेश क्यों रखा हुआ है इसके कारण अपन को फ्लक्स निकालना है कि इस घन के घन का संबंधित कुल फ्लक्स कितना होगा, इसके कोने से संबंधित ये सारी चीज़ें अपन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इधर एक और ऐसा ही सेम घन मान लिया मैंने, एक सेम ऐसा का ऐसा ही इधर घन मान लिया, ठीक है। जैसे मान लो आप लोग इस रूम के अंदर बैठे हुए हो, आप जिस रूम में बैठे हो ना उस रूम के बगल में एक रूम और है सेम ऐसा का ऐसा ही, और उस रूम के दोनों रूम को जो दीवार कॉमन दीवार है ना, दोनों रूम को जो दीवार मिला रही है वो जो दीवार है, उस दीवार के केंद्र पर एक आवेश क्यों रखा हुआ है। तो ऐसे ही है, एक ये रूम है एक ये रूम है, इन दोनों को जो लाइन, दोनों में जो कॉमन लाइन है, दोनों के बीच में जो कॉमन लाइन है बच्चों वो क्या है, दोनों के बीच में जो कॉमन लाइन है वो क्या है, उस पर आवेश रखा हुआ है। तो मान लो वो सामने की जो दीवार, आप बैठे उसके जस्ट सामने की जो दीवार है उस पर क्यों आवेश रखा हुआ है, उसके बगल में जस्ट बराबर में एक रूम और है वैसा का वैसा ही सेम एज इट इज, तो मेरे को बताओ उन दोनों रूम को मैं मिला लूंगा तो एक पूरा मेरे पास एक निकाय बन जाएगा, एक पूरी एक वस्तु बन गई जिसके केंद्र पर एक आवेश क्यों रखा हुआ है, जिसके केंद्र पर एक आवेश क्यों रखा हुआ है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। तो मैं उस दीवार के अकॉर्डिंग उसको काट देता हूँ, ऐसे ऐसे काट दिया मैंने, अलग अलग कर दिया, तो देखो इधर जैसा रूम था वैसे ही उधर बचा, सिमेट्रिक है। तो कुल फ्लक्स कितना आएगा, एफ कुल तो कितना होगा बोलो, कुल फ्लक्स तो कितना होगा आपको पता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, क्योंकि क्यू आवेश रख रखा है। अब इस जिस घन की सतह के केंद्र पर रखा हुआ ना, उस घन के कारण कितना फ्लक्स होगा वो अपन को चाहिए। किसके कारण चाहिए बच्चों? घन के कारण। उस घन के कारण कितना फ्लक्स होगा, तो देखो दो घनों को मिलाया, दोनों घनों को साथ मिलाया तो उनके कारण जो फ्लक्स आया वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। तो एक फ्लक्स का निकालना होगा, तो क्या हुआ, टोटल पूरा मान लो एक घन था दोनों को मिलाया तो उसको बीच से कट कर दिया तो क्या हुआ, आधा पार्ट हो गया उसको। तो रूल नंबर 9 के अंदर जो 9 नंबर रूल, क्या 9 नंबर पॉइंट आपको जो बताया, उस 9 नंबर पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होगा बताओ, आधा नहीं होगा क्या, क्योंकि दोनों में सिमेट्री है, तो जितना टोटल था उसका क्या हो जाएगा, एक घन के कारण क्या हो गया, आधा हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ फाई घन के कारण क्या आएगा बोलो बच्चों, फाई कुल बटे दो। तो कुल क्या आया है,
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसका क्या करना है, आधा करना है, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। बोलो समझ में आई क्या बात। देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम बना रखा है इससे भी समझ सकते हो, एक घन ये है, एक घन ये है, ये यहाँ पर क्या कर रखा है, एक ये घनाब बन गया थोड़ा, है ना, इसको थोड़ा ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ये लो, और इन लाइनों को यहां मिला दो, ये लो, ये दो घन रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस टोटल आकृति के कारण जो कुल फ्लक्स होगा वो तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि बच्चों जब एक सतह पर रख दिया तो सतह पर आवेश रखा तो बंद पृष्ठ नहीं बना, तो उस पृष्ठ को बंद बनाने के लिए अपन ने क्या कर दिया, उधर की ओर एक दूसरा रूम मान लिया, एक दूसरा घन मान लिया, तो क्या किया, इधर एक दूसरा काल्पनिक घन मान लिया, तो काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ मान लिया, जिसमें क्या हो गया, पूरा बंद हो गया ऐसे, ठीक है, ये आवेश इधर भी बंद है, इधर भी बंद है, इधर भी बंद हो गया, ठीक है। तो बंद आकृति के अंदर टोटल आवेश Q है, तो इस पूरी बंद आकृति के कारण जो कुल फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा बच्चों, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस एक घन के कारण निकालना आपको, तो इस एक घन के कारण कितना आएगा इस टोटल का, क्योंकि देखो सिमेट्री है ना, ये आधा आधा कर सकते हैं, अलग अलग समान होंगे, आधा काटूंगा तो बीच से समान भाग होंगे दो एक जैसे, तो क्या होगा, इस सिमेट्री के कारण, इसके एक घन के कारण अगर अपन फ्लक्स निकालेंगे, एक घलक घन से संबंधित जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, टोटल का आधा हो जाएगा, क्योंकि अपने कितने भाग किए हैं, दो, तो क्या आएगा बच्चों, Q अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा, टोटल फ्लक्स का आधा, Q अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब मान लो एक सतह के कारण निकालना हो आपको फ्लक्स, एक फलक के कारण या फिर एक सतह के कारण, सतह के कारण निकालोगे तो क्या आएगा, बोलो, एक जो अपने पास में जो ये घन आया है अभी अभी, ये जो घन आया है अभी अभी, अपन ने जो घन लिया था, इस एक घन के कारण, इस इधर वाले ये डोटेट वाला घन तो अपन ने काल्पनिक माना है, ओरिजिनल घन तो एक ही है अपने पास में, इस घन के कारण जो फ्लक्स आता है वो क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आता है, तो इसमें कितने फलक बचे, इस फलक पर तो आवेश रखा हुआ है, तो बाकी कितने फलक बचे, पांच फलक बचे या पांच सतहें बची, तो उनके कारण निकालना होगा, तो क्या आएगा, डिवाइड बाई पांच, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बोलो बच्चों, Q अपॉन टेन एप्सिलॉन नॉट सतह के कारण, ये लो। इस प्रकार से ये दो एग्जांपल जो है बच्चों अपन लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका जो टॉपिक है बच्चों वो है गाउस के नियम की उत्पत्ति, कि गाउस के नियम की उत्पत्ति किस प्रकार से करेंगे अपन, वो समझना है। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। फिर अगला जो टॉपिक अपना है वो है गाउस के नियम की उत्पत्ति। देखो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, गाउस नियम की उत्पत्ति, बस एक लास्ट टॉपिक करवा रहे हैं, गाउस नियम की उत्पत्ति, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कूलाम नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति, कूलाम नियम से गाउस, कूलाम नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो समझना ध्यान से, इसको अपन दो तरीके से कर रहे हैं, मैं आपको एक आसान सा जो तरीका है वो बता देता हूँ। मान लो अपने पास में एक ये कोई गोला है, इधर रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ अपने पास में एक ये गोला है कोई, ये मान लिया, ये कोई स्पीयर है अपने पास में, गोल नहीं बना क्या, गोल गोला गोल ही होता है तो गोल ही बनाएंगे, ये लो ये गोला है मान लो, ठीक है, जिसकी जो त्रिज्या है बच्चों वो आर है, इसके केंद्र पर एक क्यू आवेश रखा हुआ है, ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, इसके केंद्र पर एक क्यू आवेश रखा हुआ है,
ठीक है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पर क्यू आवेश रखा हुआ है। इसके केंद्र पर क्यू आवेश रख दिया, इसकी सतह पर एक बिंदु P है, मान लो यहाँ पर है एक बिंदु P, इस बिंदु P, ठीक है, ये क्या हो गई इसकी त्रिज्या के बराबर दूरी हो गई है R। तो इसके अंदर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी और दिशा किधर होगी ये बताओ। सबसे पहले अपन दिशा फाइंड करते हैं कि इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो मैंने कैसे बताया आप लोगों को कि जिस बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना हो उस बिंदु पर अपन क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं, एक परीक्षण आवेश क्यू जीरो रख देते हैं जो धनात्मक होता है। मान लो मैं यहाँ पर एक प्लस क्यू जीरो चार्ज रख देता हूँ इस पॉइंट P पर, पॉइंट P पर एक क्यू जीरो आवेश रख दिया, ये आवेश भी धनात्मक है, ये आवेश भी धनात्मक है, तो इनके बीच में बल कैसा लगेगा बोलो, बल की प्रकृति क्या होगी, आकर्षण की होगी या प्रतिकर्षण की होगी बोलो। दोनों सेम प्रकृति के आवेश हैं, तो सेम प्रकृति के जब आवेश होते हैं तो उनके बीच में जो बल की प्रकृति होती है बच्चों वो कैसी होती है, प्रतिकर्षण बल लगता है। कैसी प्रकृति होती है, प्रतिकर्षण की प्रकृति होती है। तो ये आवेश Q, इस Q0 आवेश पर जो बिंदु P पर रखा हुआ है, इस बिंदु आवेश पर बल किधर लगाएगा बताओ, प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो ये आवेश क्या चाहेगा, इसको दूर भगाऊं मैं इसे, ठीक है, तो इस दिशा में ये क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जिस दिशा में जिस बिंदु पर आप लोगों को विद्युत क्षेत्र निकालना हो वहाँ पर एक क्यू जीरो आवेश रखते हैं, और उस क्यू जीरो आवेश पर जो आवेश रखा हुआ है यहाँ, वो आवेश किस दिशा में बल लगाता है, उस बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर होगी, इधर होगी, बोलो बच्चों होगी कि नहीं, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आएगी, इधर आएगी, ठीक है। तो इस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अपन को पता लग गई, इसका परिमाण अपन को चाहिए, तो वो कितना आएगा वो अपन निकालते हैं। उसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि माना एक Q आवेश किसी स्मॉल R त्रिज्या के केंद्र पर रखा हुआ है, माना एक क्यू आवेश किसी R त्रिज्या के केंद्र पर रखा हुआ है, R त्रिज्या के गोले के केंद्र पर, गोला तो लिखा ही नहीं, R त्रिज्या के गोले के केंद्र पर रखा हुआ है या फिर रखा है। इस गोले की सतह पर एक बिंदु P स्थित है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा बोलो बच्चों, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा बोलो, परिमाण लिख लेते, दिशा अपन ने यहाँ मेंशन कर दी। तो देखो क्या है, क्या ये डायग्राम ऐसा बन रखा है कि एक क्यू आवेश यहाँ रखा हुआ है, इसे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, क्या ऐसा ही डायग्राम बन रखा है, सर्कल को भूल जाए अगर अपन, इस गोले को भूल जाए तो ऐसा ही डायग्राम है। तो इसके कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला लिखते हैं बोलो, के क्यू अपोन आर स्क्वायर, क्या लिखते हैं बच्चों, के क्यू अपोन आर स्क्वायर, बोलो बात समझ में आई। तो किसी एक बिंदु के कारण, बिंदु आवेश के कारण या किसी एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो अपन इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ऐसे ही बच्चों ये एक आवेश रखा हुआ है यहाँ पर, इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो वो क्या आएगी, के क्यू अपोन आर स्क्वायर, बोलो बात समझ में आ गई। ये क्या हुआ अपने पास में, एक इक्वेशन नंबर 1 आ गई, क्या आ गई बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब नेक्स्ट अपन को क्या करना है, आपको तो विद्युत फ्लक्स निकालना है, इस आवेश के कारण इस गोले से संबंधित फ्लक्स कितना होगा वो निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पर एक अल्पांश मान लेता हूँ, यहाँ पर एक अल्पांश मान लेता हूँ जिसका अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश है वो इधर की ओर होगा, डी एस सदिश। बोलो इधर ही होगा। बोलो बच्चों लंबवत बाहर की ओर ही तो होता है। अरे क्षेत्रफल सदिश होता है वो क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है उसकी सतह के, कोई वस्तु जो होती है उसकी सतह के लंबवत होता है। ये मैंने फ्लक्स वाली वो टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर बताया था आपको, तो इसलिए डीएस वेक्टर क्या आ गया, उधर आ गया। तो आप मेरे को बताओ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, माना बिंदु पी के चारों ओर या पी के चारों ओर एक क्षेत्रफल अल्पांश अल्पांश डीएस मानते हैं, डीएस मानते हैं, तो इस डीएस वेक्टर से संबद्ध फलक्स क्या लिख सकते हैं, बोलो फाई बराबर क्या आएगा, बोलो बच्चों ई डॉट डीएस वेक्टर। ये मैंने बताया है इसे बंद समाकलन लगा के, ये फ्लक्स का सूत्र होता है अपने पास में, ई डॉट डीएस। तो देखो डॉट प्रोडक्ट को अगर मैं हटाता हूँ तो क्या लेके आता हूँ, ई डी एस कोस थीटा। जब डॉट प्रोडक्ट को अपन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं तो ई डी एस कोस थीटा लेके आते हैं। यहाँ पर थीटा क्या होता है बच्चों, ई और डीएस के मध्य बना कोण, क्या होता है ई और डीएस के मध्य बना हुआ कोण। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है, बोलो ई और डीएस के बीच में, बोलो बच्चों ई और डीएस के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना है, डायग्राम से देख के बताओ, क्या जीरो डिग्री है, क्या दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है तो कोण कितना बनेगा, जीरो डिग्री। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं फाई बराबर ई डी एस कोस जीरो डिग्री। कोस जीरो डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, कोस जीरो डिग्री का मान एक होता है। तो अपन लिख सकते हैं फाई बराबर बंद समाकलन ई इंटू डी एस, क्या लिख सकते हैं ई इंटू डी एस। अब समीकरण एक से ई का मान रख दो, समीकरण एक से ई का मान रखने पर, रखो फाइव बराबर क्या आएगा, बोलो ई का मान के क्यू अपोन आर स्क्वायर इंटू डी एस, क्या आएगा के क्यू अपोन आर स्क्वायर इंटू डी एस, ये वैल्यू रख दिया यहां पर। अब एक चीज और बताओ मेरे को आप लोग कि यहां पर के तो कांस्टेंट होता है, आपको पता है k का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और q भी कांस्टेंट है क्योंकि एक आवेश यहां पर रखा हुआ, तो मतलब ये कांस्टेंट ही होगा सारे चारों तरफ के लिए, ठीक है। और ये जो r स्क्वायर है ये त्रिज्या, देखो कहां पर भी पॉइंट ले वो ये भी नियत आएगी, तो कांस्टेंट जो टर्म होती है उनको समाकलन के चिन्ह से अपन बाहर निकाल लेते हैं। तो फाइव बराबर क्या आएगा, बोलो फाइव बराबर के क्यू अपोन आर स्क्वायर और डी एस। अब ये ds क्या है, समाकलन ऑफ ds, देखो एक ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देना, ये एक ds कोई वेक्टर माना मैंने एक अल्पांश इसकी सतह पर, ठीक है। अगर ऐसे छोटे छोटे अल्पांश मान लो इसकी सतह पर बहुत सारे और उनको जोड़ना हो अपन को, उनको सबको जोड़ दूँ तो क्या मेरे पास इसका कुल क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा, क्या क्या इस गोले का कुल क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा क्या, ऐसे छोटे छोटे अल्पांश में बहुत सारे इस पर मान के उन सारे अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र आता है उसको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो क्या मेरे पास संपूर्ण पृष्ठ के कारण जो विद्युत फलक्स आएगा वो आ जाएगा टोटल, या उसका टोटल एरिया आ जाएगा। तो क्या हुआ है, ये जो एक डीएस अल्पांश है, ये डीएस अल्पांश समाकलन का चिन्ह का मतलब होता है जोड़ना, योग करना। तो इस डीएस का ऐसे बहुत सारे डीएस 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 पूरी सतह पर मान लिए अपन, तो क्या उन सब का समाकलन कर दूंगा मैं तो क्या इसका संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा क्या, तो मैं यहां लिख सकता हूं डीएस बराबर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दिख रहा है क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो डीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू अपन यहां रख सकते हैं, तो फाई बराबर क्या आएगा, बोलो बच्चों के क्यू अपोन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, डीएस की जगह रख दिया, तो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट गया, क्या आया बोलो
के क्यू इंटू फोर पाई। क्या है बच्चों? के क्यू इंटू फोर पाई। तो देखो क्या आएगा, के का मान क्या होता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू फोर पाई। क्या होता है बच्चों? के का मान वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू फोर पाई। तो फोर पाई से फोर पाई कट गया, यहां पर अपने पास में जो फ्लक्स बचा वो क्या बचा, इधर लिख दूं क्या? इधर लिख देता हूं, ठीक है, अलग अलग बांट दिया मैंने, यहां लिखता हूं। तो फाई बराबर क्या आएगा बोलो बच्चों, क्या बचा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरे को बताओ बच्चों, क्या यही बच्चों विद्युत फ्लक्स नहीं होता क्या? क्या यही कूलाम का नियम नहीं होता क्या? देखो फटाफट, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या ये कूलाम का नियम नहीं है? आ गया कूलाम का नियम, तो बहुत ही आसान सा है, आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। बच्चों कल की क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे गाउस नियम के अनुप्रयोग, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे गाउस नियम के अनुप्रयोग, क्या क्या उसके अनुप्रयोग हैं, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट।